नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रिलायंस कर्मचारियों के लिए जियो की 4G सेवा लॉन्च। रिलायंस जियो की 4G की रविवार को भव्य लॉन्चिंग हुई। RIL के प्रमुख और प्रबंध निदेशक श्री मुकेश अंबानी ने कहा कि श्री धीरूभाई की 300वीं जयंती पर मुझे अपने पूरे रिलायंस परिवार और दोस्तों को जियो सेवा का सबसे पहले अनुभव करने के लिए आमंत्रित करने का सौभाग्य मिला है, जहां आप जियो डिजिटल लाइफ का लुत्फ उठाएंगे। कंपनी इस समय अपने 1,00,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए निःशुल्क जियो मोबाइल सेवा दे रही है। इस मौके पर रिलायंस समूह के संस्थापक श्री धीरूभाई अंबानी की पत्नी कोकिला बहन श्रीमती नीता अंबानी और उनके बच्चे भी मौजूद थे। जियो 4G के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान ने मंच पर मुकेश अंबानी के साथ सेल्फी भी ली। DDCA मामले में जेटली बेदाग, भाजपा ने कहा केजरीवाल माफी मांगे। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से DDCA मुद्दे पर अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा है। पार्टी ने कहा कि महानगर सरकार की रिपोर्ट में वित्त मंत्री के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। पार्टी प्रवक्ता MJ अकबर ने कहा कि केजरीवाल ने DDCA के जिस फाइल के बहाने CBI छापेमारी को लेकर जेटली पर निशाना साधा, उस फाइल में जेटली का नाम तक नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जेटली पर यहां आरोप लगाते हुए हमला किया था कि CBI ने DDCA फाइल के लिए छापेमारी की थी। इंदौर साइक्लोथॉन ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। इंदौर साइक्लोथॉन के पहले संस्करण के तहत रविवार को 15,000 से ज्यादा लोगों ने साइकिल चलाकर दक्षिण अफ्रीका में बनाए गए विश्व रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया और नया कीर्तिमान कायम किया। इंदौर साइकिलिंग एसोसिएशन के आयोजित कार्यक्रम में हुए इस कारनामे को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक मान्यता दी है। भारत में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रमुख मनीष विश्नोई ने बताया कि विश्व कीर्तिमान के बारे में इंदौर साइकिलिंग एसोसिएशन का दावा मंजूर करते हुए संगठन को बकायदा प्रमाण पत्र जारी किया गया है।